आप लड़के क्या समझते हैं कि आप जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें लड़की की जिंदगी में घुस सकते हैं और वो आपको एक्सेप्ट करे? मायरा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और आप यकीन कीजिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और आप मुझे प्लीज मजीद शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आपको याद है कि आपकी वालदा ने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो जुमले कैसे थे, तो आप मुझे बताएं कि वो ज्यादा सख्त था या जो मैं बोल रही हूँ अभी वो ज्यादा सख्त है। मुझे नहीं पता कि आप मेरे घर में क्या सोच के आए थे। शायद आपकी नीयत नेक थी, इरादा आपका साफ था, लेकिन तरीका गलत था। गलत था? मेरा तरीका तो बिल्कुल गलत नहीं था। तो सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक रिश्ता लेकर आया था आपके घर में, कोई इज्जत देना चाहता हूं, बस यही नीयत थी मेरी, यही इंटेंशन थी, और क्या करता। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मारा यकीन कीजिए, आपके लिए मेरी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची हैं। लेकिन आपकी इन्हीं फीलिंग्स की वजह से मैं अपने घर में जलील होकर रह गई हूं, तो मुझे आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। थैंक यू, आपने एक महीने भी मुझे टिक्के या नौकरी नहीं करने दी। मारा एक मिनट, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए प्लीज। मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आप इस निकाह से खुश हैं? अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि आप खुश हैं, तो खुदा की कसम मैं दोबारा ये सवाल लेके आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। बताइए मायरा, क्या आप इस निकाह के लिए तैयार थी? क्या इस निकाह में आपकी मर्जी शामिल है? दस साल पहले तो आप कम उम्र थी, नादान थी। मुझे यकीन है ये फैसला आपका नहीं था, आपके घर वालों का था, और आपसे यह फैसला करवाया गया, वो भी जबरदस्ती। मैं ठीक कह रहा हूं? आपके घर वालों ने आप पर यह फैसला मुसल्लत कर दिया। क्योंकि ऐसा तो हमेशा होता है, शायद लड़कियों के फैसलों को तो अहमियत दी नहीं जाती, यकीनन आपके फैसले को भी अहमियत नहीं देगा कोई। क्या आप उस जबरदस्ती के निकाह पर कायम हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई पछतावा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में थोड़ा भी मलाल हो कि आपने ये निकाह क्यों किया? आप तो एक बच्ची थी मायरा, ये तो घर वालों का फैसला है। आपने कभी सोचा है कि वो शख्स आपसे मोहब्बत करता है या आप उसे मोहब्बत करती हैं? क्या वो आपको डिजर्व करता है? प्लीज आते हैं। प्लीज मायरा, मैं सच्चे दिल से आपको चाहता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, आपको अपनाना चाहता हूं। शरीक हयात बनाना चाहता हूं। आपके बड़ों ने जो आप पर ये जबरदस्ती का रिश्ता मुसल्लत किया है, आप आसानी इस रिश्ते से निकल सकते हैं। आपको कानूनी और शरई हक है कि आप खुला लें। जबरदस्ती के फैसले की वजह से अपनी जिंदगी को
तकलीफ में डालना चाहती हैं। भले मेरी जिंदगी में आए या ना आए, लेकिन खुद को इस अजियत से बचाएं।